हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम एक बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन 5 या 7 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस जो है फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर किस तरह से डिसेंड होके अपनी फाइनल पोजिशन पर आता है बर्थ के टाइम तक। तो टेस्टिस की डेवलपमेंट कहाँ से हुई? टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है मेसोनेफ्रोस से। अभी मेसोनेफ्रोस क्या है, जब हम डेवलपमेंट ऑफ किडनी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस, मेटानेफ्रोस, इन सब की बातें हम किडनी की डेवलपमेंट में करेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ आएगा। अभी बस हमें क्या ध्यान रखना है कि टेस्टिस डेवलप इन रिलेशन टू द मेसोनेफ्रोस। किस लेवल पे? T10 टू T12 सेगमेंट के लेवल पे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मतलब स्टार्टिंग में कहां प्रेजेंट है टेस्टिस? T10 टू T12 के लेवल पे। तो ये कौन से मंथ में होता है T10 टू T12? ये होता है सेकेंड मंथ। तो ये वाली पोजीशन होती है सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, IUL मतलब इंट्रायूटराइन लाइफ, ठीक है। तो डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई? सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ में इसकी डेवलपमेंट नहीं, डिसेंट स्टार्ट हुआ है। सेकेंड मंथ में इसका नीचे आना स्टार्ट होगा सेकेंड मंथ में। अच्छा जी, सेकेंड मंथ में स्टार्ट हो गया नीचे आना। टोटल बेसिकली 9 मंथ्स तक रहता है बेबी जो है वो यूट्रस के अंदर, 9 मंथ तक रहता है, ठीक है। तो उसके सेकेंड मंथ में क्या हुआ, डिसेंट स्टार्ट हो जाता है। इवेंचुअली करते करते एंड में 9 मंथ तक वो स्क्रोटम में आ जाता है। तो सेकेंड मंथ में कहाँ है? लेवल ऑफ T10 टू T12। उसके बाद थर्ड मंथ आते आते वो इलियक फोसा पे आ जाता है। जो हिप बोन होती है उसका जो ये वाला फोसा प्रेजेंट होता है हिप बोन के अंदर, उसे हम कहते हैं इलियक फोसा। तो थर्ड मंथ ऑफ IUL पे कहाँ पे है? इलियक फोसा में। उसके बाद फोर्थ टू सिक्स्थ मंथ तक वो रेस्ट करता है कहाँ पे? डीप इंग्वाइनल रिंग पे। अब हमें पता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ही तो टेस्टिस नीचे जाएगी स्क्रोटम में। तो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर 2 रिंग थी, एक डीप इंग्वाइनल रिंग और एक सुपरफिशियल, अंदर की तरफ डीप है। तो डीप इंग्वाइनल रिंग पे रेस्ट करता है फोर्थ टू सिक्स्थ मंथ के अंदर। उसके बाद 7th मंथ के अंदर ये इंग्विनल कैनाल को ट्रेवल्स करता है, मतलब इंग्विनल कैनाल को ट्रेवल करते हुए सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग तक कब पहुंचता है? 8th मंथ तक। 7th मंथ में इंग्विनल कैनाल के अंदर से जाता है, 8th मंथ में पहुंच जाता है सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग पे और स्क्रोटम में पहुंच जाता है 9th मंथ के अंदर। ये मंथ जो लिख रहा हूं मैं, ये इंट्रायूटराइन लाइफ के है। तो सेकेंड मंथ में कहां पे था? T10 टू T12। थर्ड मंथ में इलियक फोसा में पहुंचा, फोर्थ टू सिक्स्थ मंथ में डीप इंग्विनल रिंग पे पहुंच के वहां पे रेस्ट किया, फिर ट्रेवल किया इंग्विनल कैनाल 7th मंथ में, 8th मंथ में सुपरफिशियल रिंग पे पहुंच गया और बॉटम ऑफ द स्क्रोटम पे पहुंच गया 9th मंथ में। 9 मंथ के अंदर स्क्रोटम के अंदर आ जाता है टेस्टिस बेसिकली। अब एक प्रोसेसस वजाइनलिस होता है, ये क्या चीज है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। डायग्राम में दिखाऊंगा अभी मैं, ये पेरिटोनियल कैविटी की एक्सटेंशन है। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसमें मैंने 4 मंथ्स की बेसिकली डेवलपमेंट दिखाई है। सबसे पहले 3rd मंथ में देखें, तो 3rd मंथ में कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो, ये टेस्टिस है, ये पेरिटोनियम है, ठीक है। ये टेस्टिस है, ये पेरिटोनियम है और टेस्टिस को स्क्रोटम से जो बीच में ये जोड़ रहा है, ये है ग्यूबरनेकुलम। ग्यूबरनेकुलम क्या है? एक टिश्यू, एक बैंड ऑफ टिश्यू है जो लोअर पोल ऑफ टेस्टिस को कहां पे जोड़ के रखता है? स्क्रोटम से जोड़ के रखता है। और ये क्या है? पेरिटोनियम की लेयर। अब अगर हम 7th मंथ में इसी डायग्राम को देखेंगे तो 7th मंथ में पेरिटोनियम का एक प्रोसेस बाहर निकलता है, एक एक्सटेंशन बाहर निकलती है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसस वजाइनलिस। तो प्रोसेसस वजाइनलिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि टेस्टिस के आने से पहले ही ये स्क्रोटम में चली जाती है, तो प्रोसेसस वजाइनलिस जो है वो टेस्टिस की डिसेंड होने से पहले ही स्क्रोटम में खुद चली जाती है और उसके बाद टेस्टिस इसके अंदर ही इन्वेजिनेट करेगा। इसी प्रोसेसस वजाइनलिस के अंदर इन्वेजिनेट करता है टेस्टिस। किस तरह से? ये देखो, धीरे धीरे इसके अंदर घुसता जा रहा है। जैसे जैसे टेस्टिस नीचे आया 8th मंथ में, धीरे धीरे इसके अंदर घुस रहा है और 9th मंथ में देखोगे तो पूरी तरह से देखो, ये हमारा क्या था? प्रोसेसस वजाइनलिस था जिसके अंदर इन्वेजिनेट कर चुका है टेस्टिस नीचे आके, ठीक है। ये 9th मंथ के हम देख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ क्या होगा? प्रोसेसस वजाइनलिस क्लोज्ड हो चुका होगा, ऊपर से बंद हो गया। तो ये क्लोज्ड पार्ट ऑफ प्रोसेसस वजाइनलिस है और जो ये 2 लेयर बनी थी नीचे उनको हम बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनलिस। जो टेस्टिस की लेयर बनाती है ट्यूनिका
वजाइनलिस, और हम ध्यान से देखेंगे तो ग्यूबरनेक्युलम इसको खींच के नीचे लेके आ रहा है, टेस्ट इसको ग्यूबरनेक्युलम नीचे की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे और नीचे की तरफ ले आया, यहाँ पे और डिस्टेंस कम हो गया, और एंड में जो है बिल्कुल स्क्रोटम में आने के बाद जो पार्ट ग्यूबरनेक्युलम का बच जाता है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटल लिगामेंट। तो स्क्रोटल लिगामेंट इज नथिंग बट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्यूबरनेक्युलम आफ्टर द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। अब यही चीज देखें तो हम प्रोसेसस वेजाइनलिस अभी मैंने आपको दिखाया, तो प्रोसेसस वेजाइनलिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, इट प्रीसीड्स द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस से पहले ये चला जाता है, उसके बाद टेस्टिस इसी के अंदर इन्वेजिनेट करता है और टेस्टिस के ऊपर ये क्लोज हो जाता है। ये मैंने आपको अभी दिखाया था, ये देखो क्लोज्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनलिस ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है नीचे आने के बाद। अब डिसेंट जो है वो एक साल का जब तक बच्चा होता है तब तक डिसेंट हो सकती है, उसके बाद डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं होती, ठीक है। अब हम कुछ फैक्टर्स को देखेंगे जिसकी वजह से डिसेंट ऑफ टेस्टिस माना जाता है कि इन फैक्टर्स की वजह से डिसेंट ऑफ टेस्टिस हो पाता है। तो नंबर वन फैक्टर इज हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है मेल्स में? टेस्टोस्टेरोन। और किसकी वजह से होती है डिसेंट? क्योंकि अभी बच्चा पेट में ही है तो मैटरनल गोनेडोट्रोपिन्स भी हेल्प करते हैं डिसेंट के अंदर। तो ये हॉर्मोन्स में दो हॉर्मोन है, एक टेस्टोस्टेरोन और एक मैटरनल गोनेडोट्रोपिन्स जो हेल्प करते हैं डिसेंट में। उसके अलावा एक और रीजन जो है, जो फैक्टर है जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस में हेल्प कर रहा है, वो है डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल भी डिसेंट ऑफ टेस्टिस में एक फैक्टर है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्यूबरनेक्युलम। मैंने अभी ग्यूबरनेक्युलम दिखाया था, देखो ये ग्यूबरनेक्युलम मैंने बोला था टेस्टिस को नीचे खींच के लेके आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे है। फॉर्मेशन ऑफ ग्यूबरनेक्युलम ऑल्सो हेल्प्स इन डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ग्यूबरनेक्युलम है क्या चीज? इट इज अ बैंड ऑफ लूज टिश्यू, लूज टिश्यू का एक बैंड है जो एक्सटेंड हो रहा है लोअर पोल ऑफ टेस्टिस से लेके स्क्रोटम तक, ये बात मैंने आपको बताई अभी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्यूबरनेक्युलम आफ्टर डिसेंट इज नोन एज द लिगामेंट ऑफ स्क्रोटम। तो जो डिसेंट के बाद जो ये लेफ्ट ओवर पार्ट बच गया ग्यूबरनेक्युलम का, इसको हमने बोला स्क्रोटल लिगामेंट। और फोर्थ जो फैक्टर है वो है इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो हेल्प करता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस में। तो चार फैक्टर्स की हमने बात की जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस में हेल्प करते हैं, हॉर्मोन्स, डिफरेंशियल ग्रोथ, ग्यूबरनेक्युलम एंड द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। उससे पहले हमने ये चीज देखी थी, हमें ये कैसे याद कैसे करना है, देखो 2 3 2 3, उसके बाद 4 5 6 यहाँ चला गया, उसके बाद 7 8 9, ठीक है, सीक्वेंस में याद करना है, बस 4 5 6 एक ही जगह लिखना है, बाकी सब चीज सीक्वेंस में है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमने बात की डिसेंट ऑफ द टेस्टिस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिनियम को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। थैंक यू।